चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पट्टा वितरण के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच की। आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का मंच पर आगमन हो चुका है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों के स्वागत की परंपरा रही है, इस परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जिलाधीश श्री रजत बंसल जी को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे पुलिस अधीक्षक श्री बीपी राजभानु। माननीय बघेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे सीओ जिला पंचायत श्री विजय दयाराम के। मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे डीएफओ श्री अमिताभ वाजपेयी। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक माननीय श्री गुरमुख सिंह होरा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे आयुक्त श्री आशीष टिकरिया। माननीय श्री लेखराम साहू जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं आयुक्त श्री आशीष टिकरिया जी को। माननीय श्रीमती अंबिका मरकाम जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे आयुक्त श्री आशीष टिकरिया जी। मंचस्थ समस्त अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उपायुक्त श्री पंकज शर्मा जी को। और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री विजय देवांगन जी को। समस्त धमतरी शहर के नागरिकगणों की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेसजनों की ओर से, समस्त नागरिकों की ओर से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहनलाल वाणी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री गुरमुख सिंह जी होरा से भी निवेदन है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री राम गोपाल जी अग्रवाल से निवेदन, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप सभी स्वागत में आते जाएंगे। आदरणीय श्री माधव सिंह जी ध्रुव, पूर्व विधायक श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री लेखराम साहू, श्रीमती लक्ष्मीकांता साहू, डॉक्टर चंद्रहास साहू, सुश्री राजकुमारी दीवान, श्री पंकज महावर, श्री शरद लोहाना, श्री नरेश जसूजा, श्री योगेश लाल, श्री अनुराग मसीह, श्री अमरदीप साहू, श्रीमती नम्रता पवार, श्री इंद्रशु चंद्राकर, श्रीमती कविता बाबर, श्री वीरेन कुसरिया, श्री राजेन्द्र लुंकर, श्री मदन मोहन खंडेलवाल, श्री गोपाल शर्मा, डॉक्टर एल एन महावर, श्री अरविंद दोषी, श्री विनोद जैन, श्रीमती शशि गौर, राजकुमारी दीवान, श्री विजय प्रकाश जैन, श्री जानकी प्रसाद शर्मा, श्री एम ए फहीम, श्री अरविंदर छाबड़ा, श्री कृष्ण कुमार मरकाम, राजा देवांगन, दुर्गा सोनकर, ममता शर्मा, विद्या देवी साहू, राजेन साहू, कैलाश प्रजापति, करण चंद्राकर, राजेश साहू, मोहम्मद मुन्ना, हाजी नूर मोहम्मद मेमन, विपिन साहू, रफीक बाईत्र वाले, राजकुमार अग्रवाल, प्रमोद साहू, मुकेश कोसरी, बबला कश्यप, रेखा डहरिया, राजेश पांडे, किरण सोनकर, श्रीमती हाशमी जी, श्री ओम बैगा नाग, दीपक सोनकर, दुष्यंत घोरपड़े, राजेश ठाकुर, श्रीमती सीमा सिन्हा, श्रीमती प्रीति बजाज, श्री संजय डागोर, श्रीमती रानी मिनपाल, श्री देवेन जैन, श्री सूर्याराव पवार, श्री विक्रांत शर्मा, श्री विशाल शर्मा, अवधेश पांडे जी, अरुण चौधरी, लखन पटेल, मनोज साहू, सुभद्रा साहू, सलीम रोकड़िया, आलोक यादव, संदीप वर्मा, सूर्यप्रभा चेटियार, मनीषा साहू, रेखा सांडिल, शारदा देवी साहू, ईश्वरी पटवा, राकेश दीवान, तिलक सोनकर, मंजीत छाबड़ा, यूसुफ रिजी, बसंत मारकंडे, आशीष ठेठे, राजकुमार विश्वकर्मा, श्यामलाल यादव, आदिल कुछावा, सलीम तिगाला, प्रदीप लोढ़ा, अशरफ रोकड़िया, डुग्गर सिंह दामा, गमेश्वरी साहू, रजत जसूजा, भरत नाहर, निखिलेश दीवान, राजेश चंद्राकर, तनवीर कुरैशी, पवन लिखी, विजय गुलछा, गोल्डी ठाकुर, सलीम गौस, गोविंद साहू, मुकेश सुखवानी, यशवंत गुरु, सेवाग्राम तारक, डॉक्टर दयाराम साहू, घनश्याम साहू, राजेन्द्र देवांगन, श्रीराम केले, विक्रम तिवारी, आकाश गुलछा, भगवान सोनवानी, विक्रांत पवार, आशुतोष शर्मा, हेमंत सिन्हा, मोहन साहू, केतन दोषी, दिलीप बजाज, उदित नारायण साहू, शुभम साहू, ब्रिजेश जगताप, शरद रन सिंह, रामगुल टिकवाल, कुशल देवांगन सर,
रामनाथ यादव, शैलेन दीवान, भूषण तेली, आशीष बंगानी, अवेश आसमी, रेहान वीरानी, गौतम वाधवानी, दया राम साहू, विश्व देवांगन, राकेश मौर्य, विजयन राम टेके, राजा कुरैशी, राजू कुरैशी, तारिक कादरी, राहुल भक्तानी, सुमित जैन, अजय वर्मा, विक्की वाल्मीकि, ज्ञान चंद सिन्हा, हेमलाल निर्मलकर, रजत जसूजा, आत्माराम लोनारे, कीर्ति साह, मधुकांत राठौर, शंकर ग्वाल, ईश्वर देवांगन, अशोक कुर्रे, अनिल बैज, शकील अहमद गुड्डा, शरीफ रोकड़िया जी, पीयूष पांडे जी, नीलकंठ ग्वाल, तोगु गुरुपंच, तोमेश साहू, जय श्रीवास्तव, संदीप ध्रुव, गुरु गोपाल गोस्वामी, गुड्डा पेंदरिया, सूरज गहरवाल, वीरू महाजन, जावेद खत्री, भोला खापलडे, गजानंद सोनकर, विशाल ठाकुर, टेकराम साहू, कुलेश्वर देवांगन, सोमेश मेश्राम, सुल्तान राव पवार, बंटी मेमन, आसिफ भाई, मधुकांत राठौर, अंबर चंद्राकर, सुभीराम नेताम, तमन चंद्राकर, अनिल मसी, प्रतिमा कोसरे, हितेंद्र केला, देवेन अजमानी, निर्मल साहू, शिवचरण नेताम, त्रिभुवन ठाकुर, डुग्गर सिंह दामा, रजत जसूजा, चंद्रकला नेताम, बालमती बालने, गीताराम सिन्हा, हमारे एल्डरमैन साथी लोग एक साथ स्वागत करेंगे। सभी एल्डरमैन साथी लोग, सभी एल्डरमैन साथियों से निवेदन है कि एक साथ आएंगे। इसी प्रकार सभी पार्षद गण भी एक साथ स्वागत करेंगे बड़े माला लेकर। कैलाश शंकर अधिवक्ता संघ की ओर से हमारे सभी अधिवक्ता भाई एक साथ स्वागत करेंगे। भाई ये भी नहीं कर सकते भैया, मैं आप लोग आओ ना, स्वागत करो इसको। हम लोग आप लोग दो सोहन यादव, राजेश जायसवाल, अर्शिल, अरे मोर बाप आप तो जान रहे भी थे यार, डिस्टर्ब मत करो भाई। देवेन भाई आजमानी और कौन बचे हैं? ये भाई कृष्णा गुप्ता, अरे कृष्णा गुप्ता और स्वतंत्र कौशल, नाम तो एक बार बोल दो, सबका नाम बोल दिया हूँ। एल्डरमैन साथी लोग एक बार अलग से स्वागत करना चाह रहे हैं। सभी साथी से निवेदन है एक साथ जाएंगे। इसी प्रकार सभी पार्षद लोग भी एक साथ जाएं ज्यादा अच्छा रहेगा। देवरत साहू हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुरुस से। थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें हमारे सभी कार्यकर्तागण। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों की चिंता करते हुए, बेघर बारों की चिंता करते हुए आज यहां हमें पट्टा वितरण के लिए हमारे भी आए हुए। एक मिनट, मैं कुछ छाती छूट गए होंगे, क्षमा चाहता हूं। और जैसे निर्देश मुझे प्राप्त हुआ है, स्वागत के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए आगे के संचालन के लिए शर्मा जी आमंत्रित हैं। शर्मा जी लो ना, आगे बढ़ाओ ना, चलो आगे बढ़ाओ। उसके बाद प्रतिवेदन पठन है सर आपका। स्वागत की इस कड़ी को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम पे प्रतिवेदन पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जिलाधीश श्री रजत बंसल जी को। आज धमतरी जिले के निगम क्षेत्र में आयोजित आम सभा में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी,
माननीय विधायकगण एवं सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, मीडिया साथियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासी जनों का मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूं। सर, आपके मार्गदर्शन में जिला धमतरी में दो चरणों में आयोजित राज्य स्तरीय वायुसेना भर्ती का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 5,400 अभ्यर्थियों में से 208 अभ्यर्थी सफल हुए, जो कि एक कीर्तिमान है, जिससे धमतरी जिले के 16 अभ्यर्थी हुए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक सफलता है। सर, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने एवं जन साधारण को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे अभिनव प्रयासों के क्रम में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण करते हुए दो चलित चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत आपके कर कमलों से हुई थी। सर, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधा देने की इस पहल को पूरे जिले में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक आयोजित शिविरों में 1676 मरीजों का परीक्षण कर लाभान्वित किया गया है, साथ ही 11 गंभीर मरीजों को रिफर किया गया है। सर, आपके मार्गदर्शन में धमतरी को स्वस्थ समृद्ध सशक्त जिला बनाने हेतु हम कृत संकल्पित हैं, जिसके अंतर्गत जिले में सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है। सर, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जिले में DMF राशि का आवंटन कम होने के कारण जन भागीदारी से सुपोषण अभियान को क्रियान्वित किया जा रहा है।